तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाली, यदि कोई फोटो जो कि इस तरह का फोटो रहता है उसमें कुछ आपका अगर इम्पोर्टेंट वर्ड या फिर कुछ लिखा होता है तो उसको यदि आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप किस तरह से कर सकते हो। तो उसके लिए क्या होता है कि यदि अभी तक जो एप्लीकेशन रहता है वो एप्लीकेशन जो है उसमें हिंदी को सपोर्ट ही नहीं करता, क्योंकि हम बहुत सारा एप्लीकेशन ट्राई किए इसको सपोर्ट करता है और हिंदी को सपोर्ट नहीं करता, जिसका एग्जाम्पल अभी हम देने वाले आप। जिसे एक एग्जाम्पल ये भी है, कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, ये एप्लीकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए सही तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आपको नीचे में जो गैलरी का ऑप्शन, यहाँ पे फोटो का जो ऑप्शन दिखा दे रहा है इसके ऊपर में आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे फिर उसके बाद आपके फ़ोन का जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगा। इसमें से आपका जो भी फ़ोटो रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट करने का, जैसे ये वाला है इसको हम सेलेक्ट कर लिए। अब इस तरह से आपका जो भी टेक्स्ट रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे सही के निशान पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो उसके बाद कुछ देर आपको वेट करना होगा, और जैसे आप वेट करोगे तो आपके सामने में जो टेक्स्ट आएगा वो इस तरह से टेक्स्ट आएगा जो कि आपके किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन हम आपको एक ऐसे स्टेप बताने वाले, एक ऐसे एप्लीकेशन बताने वाले जिसकी मदद से आप किसी भी तरह का, चाहे हिंदी रहे उसमें या फिर इंग्लिश रहे, दोनों का दोनों आपको 100% सही का सही वहाँ पे आ जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस जगह से भी आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से, जैसे पहली बार अगर आप यूज करोगे तो इसमें जो है परमिशन वगैरह देना होगा, उसको आप अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इस एप्लीकेशन में मेन खासियत जो है दो तरीके का यहाँ पे दिखाई दे रहा है नीचे में ऑप्शन। इस ऑप्शन से आप क्या सब कर सकते हो, जैसे कि यदि आप फ़ोटो खींचना चाहते हो तो डायरेक्ट फ़ोटो खींच सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे यदि आपके फ़ोन की गैलरी में पहले से फ़ोटो है उसको इस यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद फिर अगला जो स्टेप है वो आपको हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पर फ़ोन की गैलरी में चले जाना है। अब यहाँ पर गैलरी में जाने के बाद जो भी आपका यहाँ पे जिससे आप टेक्स्ट निकालना चाहते हो उसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे अपना पोजीशन पूरा सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे क्रॉप करें इस ऑप्शन पे आपको एक क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद कुछ देर आपको वेट करना होगा। अब आपके सामने में आपका पसंदीदा टेक्स्ट जो है वो हाजिर हो चुका है। आपको यहाँ पर जो फोटो दिखाई दे रहा है ऊपर में उसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो आपके सामने में आ चुका है, यहाँ पे लिखा है, जिस दिन मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं साला, उसी दिन घर वाले गेहूँ पिसवाने भेज देता। यदि आप इसको कॉपी करना चाहो तो आप किस तरह से कर सकते हो, यहाँ पे अभी आप कॉपी नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोटो के रूप में दिखाई देगा आपको। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जाना है, यदि आप शेयर बटन पर क्लिक कर देते हो तो शेयर पर आप डायरेक्ट इसे शेयर कर सकते हो। आपको करना शेयर नहीं है, आपको करना है एडिट। एडिट ऑप्शन में जैसे आप जाओगे तो इसमें जो भी कुछ ऐसा वर्ड जो कि कम है या फिर ज़्यादा है या फिर इंग्लिश वाला वर्ड आ चुका है तो इसको आपको इस तरह से मिटा देना है। मिटाने के बाद फिर यहाँ पे कलर वगैरह यदि आप चेंज करना चाहो तो आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। और तब जा कर के यहाँ पर जो ये जो तीसरा नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको सेलेक्ट कर लेना है, इससे आपका ये जो टेक्स्ट है ये कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप को ओपन कर लेना या फिर कोई एसएमएस को ओपन कर लेना, उसमें जाकर के इसे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लेना आपको और उसमें जाकर के आपको पेस्ट कर देना है। सबसे बहुत यहाँ पे जो एक ऑप्शन इसमें व्हाट्सएप में दिया हुआ रहता है, उस व्हाट्सएप में क्या होता है कि यदि आप कोई भी एसएमएस या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या फिर कुछ टेक्स्ट यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन में लाना चाहो और रखना चाहो सेव करके, तो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो आप अपने मोबाइल फ़ोन में अपना ही नंबर सेव कर लेना, और यहाँ पे इस ऑप्शन में व्हाट्सएप में सर्च में जाकर के आपको अपना नंबर टैप करना है जो कि मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे जाकर के इसको क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक कर देना। अब दोस्तों ये अपडेट आप सभी दोस्तों को पसंद आएगा। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।